नमस्ते गेम शो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि मेरे आज के वीडियो में मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ कि आप एक ही दिन में आपके हेयर लेंथ को कैसे बढ़ा सकते हो। तो आज मैं आपसे एक DIY शेयर करने वाली हूँ जो बहुत ही ईजी है, और ये DIY में मैंने जो भी प्रोडक्ट्स यूज की है वो हमारे हेयर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मीडल से हमारे हेयर लेंथ को नाप लेंगे मेज़र टेप की हेल्प से, ताकि हमें ये DIY अप्लाई करने के बाद पता चले कि हमारे हेयर लेंथ में कितना डिफरेंट आया है। तो सबसे पहले आपको ये काम करना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरे बालों की लेंथ है 25 इंच, और सेंटीमीटर में देखा जाए तो है 89 सेंटीमीटर। अब हम बालों में अप्लाई करेंगे DIY हेयर मास्क। तो उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए एग। तो हमें यहाँ पे 1 egg लेना है। एग में होता है भरपूर मात्रा में प्रोटीन्स एंड विटामिन्स। ये हमारे हेयर ग्रोथ को बढ़ने में हेल्प करता है और हमारे बालों में एक अच्छा सा वॉल्यूम भी देता है, और ये हमारे ड्राई स्कैल्प को भी रिपेयर करता है। ये DIY में एग बहुत ही ज़रूरी इंग्रेडिएंट है। अगर आप वेजिटेरियन हो, आप एग नहीं यूज़ करते हो, तो आई एम रियली सॉरी गाइस, इसका कोई भी ऑप्शन नहीं है। उसके बाद हमें चाहिए 2 से 2.5 चम्मच ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल हमारे बालों को मॉइस्चराइज करता है, ये भी हमें हेयर ग्रोथ में हेल्प करता है, और हमारे स्प्लिट एंड्स को भी रिमूव करता है, और हमारे बालों में एक नेचुरल शाइन प्रोवाइड करता है। अब हमें चाहिए 1 विटामिन ई कैप्सूल। विटामिन ई हमारे स्कैल्प को हेल्दी रखता है, डैमेज हेयर को रिपेयर करता है, और हेयर ग्रोथ को बढ़ाने में भी हेल्प करता है। उसके बाद हमें चाहिए 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर। ACV भी हमारे बालों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। ये डैंड्रफ को भी रिमूव करता है, एक नेचुरल शाइन प्रोवाइड करता है, बालों की सारी प्रॉब्लम्स को दूर करता है, और हमारे बालों को हेल्दी बनाता है। लास्ट में मैं 2 से 3 ड्रॉप्स एसेंशियल ऑयल मिक्स करूँगी, और फ्रेंड्स ये टोटली ऑप्शनल है, क्योंकि हमने जो एग और एप्पल साइडर विनेगर यूज़ किया था उसकी स्मेल थोड़ी स्ट्रांग होती है, तो एसेंशियल ऑयल इसकी स्मेल को रिड्यूस करता है। तो यहाँ पे मैं रोज़ ऑयल यूज़ कर रही हूँ। आपके पास जो भी एसेंशियल ऑयल हो आप यूज़ कर सकते हैं, और ये सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको एक सजेशन देना चाहती हूँ कि ये वाला जो DIY है उसे आप बाथरूम में ही अप्लाई कीजिए, क्योंकि ये थोड़ा मैसी होता है, इसलिए ये पूरा घर गंदा कर सकता है। मुझे तो कैमरा के सामने अप्लाई करना है, इसीलिए मैंने ऐसे न्यूज़पेपर नीचे बिछा दिया है ताकि मेरा घर गंदा ना हो। तो अब हम इसे अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट हम इसे स्कैल्प में अप्लाई करेंगे। हमें ज़्यादा लेंथ में अप्लाई नहीं करना है, हम सिर्फ स्कैल्प में ही अप्लाई करेंगे। अगर आपका ये मास्क बच जाता है तो आप इसे लेंथ में भी अप्लाई कर सकते हैं। हमें इस तरह से अप्लाई करना है और साथ में मसाज भी करना है। अब मैं बालों को इस तरह से उल्टा करके अप्लाई करूंगी, ताकि पीछे की साइड पे भी ये अच्छी तरह से अप्लाई हो पाए। फ्रेंड्स, ये जो DIY है उसे आपको सिर्फ 15 दिन में एक ही बार अप्लाई करना है। आप इसे डेली भी मत अप्लाई कीजिए, या फिर वीकली भी अप्लाई मत कीजिए, सिर्फ 15 दिन में एक बार ही अप्लाई करना है। अब जो बचा हुआ मास्क है उसे मैं हेयर के एंड में अप्लाई कर लूँगी, क्योंकि हमारे जो हेयर लेंथ होते हैं वो ज़्यादा डैमेज और स्प्लिट्स एंड होते हैं, तो मैं लास्ट में इसे अप्लाई कर लूँगी। पूरा मास्क अप्लाई हो जाने के बाद हमें बालों में मसाज करना है। हमें 5 से 10 मिनट तक इसे मसाज करना है। मसाज हो जाने के बाद मैं इसे सावा कैप की हेल्प से सिक्योर कर लूँगी, ताकि हमने जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं वो हमारे बालों में अच्छी तरह से लॉक हो जाए। अगर आपके पास सावा कैप ना हो तो आप प्लास्टिक बैग भी यूज़ कर सकते हो। अब हम इसे 1 आवर तक रहने देंगे, और उसके बाद हम शैम्पू और कंडीशनर की हेल्प से हेयर को वॉश कर लेंगे।
तो मैं यहाँ पे वाओ ब्रांड का एप्पल साइडर विनेगर शैम्पू यूज़ करूँगी और कंडीशनर में मैं यूज़ करूँगी पतंजलि का केश कांति कंडीशनर। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे हेयर वॉश कर लिया है। अब हम हमारे बालों की लेंथ को नाप लेंगे ताकि हमें पता चले कि हमारे बाल कितने लंबे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, अब देख सकते हैं कि हमारे बालों में 0.7 इंच जितना डिफरेंट दिख रहा है। पहले हमारे बाल थे 25 इंच, तो लेंथ थोड़ी लंबी होके 0.7 इंच तक पहुंच गई है। तो एक दिन में हम हमारे हेयर को इस तरह से लंबे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो। अगर आपको मेरा हेयर वॉश रूटीन देखना है तो आप इस वीडियो पे क्लिक कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।